हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है ऋषभ और आज हम बात करने वाले हैं दी ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा के बारे में। जी हाँ, विटारा ब्रेजा नहीं, ओनली ब्रेजा। विटारा को अब नाम से हटा दिया जाएगा, लेटेस्ट सूत्र ये कहते हैं। और लेटेस्ट सोर्सेज ये भी कहते हैं कि प्रोडक्शन शुरू हो गई है। मैंने आपको पहले ही कहा था, समझ में गाड़ी लॉन्च हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि दिवाली तक जाएगी, जो कि कुछ डीलर्स कह रहे थे और कुछ न्यूज़ आ रही थी। वो इसलिए आती क्योंकि पिछला ब्रेजा का स्टॉक निकालना होता है। तो मारुति की जो ब्रेजा है अभी कुछ ही देर में लॉन्च हो जाएगी, प्रोडक्शन शुरू हो गई है। और आज हम बात करने वाले हैं नई ब्रेजा की 25 ऐसे नए चेंजेस के बारे में, नए फीचर्स के बारे में, नए अपडेट्स के बारे में, जिसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है, चाहे डिज़ाइन हो, चाहे फीचर्स हो, चाहे उसकी स्पेसिफिकेशन हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें। इनफैक्ट अगर आप दिल्ली NCR एरिया से और आपको कोई भी गाड़ी लेनी है, उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे, बेस्ट टू बेस्ट रेट्स के साथ साथ क्विकेस्ट डिलीवरी भी दिलवाने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेटली इस नंबर पर कॉल जरूर कर लें। जितनी भी कोई भी अपनी गाड़ी लेनी है, टाटा मारुति स्कोडा की या कुछ भी लेना है, तो इस नंबर पर कॉल जरूर कर दें। बात करते हैं अब नई ब्रेजा के बारे में। तो सबसे पहले नाम विटारा ब्रेजा। अब कंपनी क्या मोस्ट प्रोबेबली विटारा को हटा देगी, क्योंकि कोई भी विटारा ब्रेजा इतना यूज़ करता नहीं था। एवरीबॉडी वाज यूजिंग ब्रेजा 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 के, ब्रेजा लेनी है, ब्रेजा नहीं लेनी, ब्रेजा आ रही है, ब्रेजा कब आएगी, ये वो, कोई ऐसे विटारा ब्रेजा इतना सर्च नहीं करता। और लंबा नाम भी कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा, तो ब्रेजा तक ठीक है ना। तो कंपनी कहती है ब्रेजा ही नाम इस बार रखेंगे, विटारा का जो नाम है वो हटा देंगे इसमें से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं इसके चेंजेस। अब नई ब्रेजा अगले महीने लॉन्च होगी, अब हमें पता लग गया है, लेकिन चेंजेस क्या होंगे? तो सबसे पहले एक्सटीरियर की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो नया डिज़ाइन आपको जो मिल रहा है उसमें नई ग्रिल, ग्रिल कम्प्लीटली चेंज कर दी जाएगी। न्यू आपको LED जो है वो ड्यूल पॉड LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलेंगे, जो कि डेफिनेटली काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी प्रीमियम और अप मार्केट इसकी फील जरूर आ गई है फॉर श्योर। पुरानी वाली ब्रेजा में ना बहुत देर से अपडेट करने की ज़रूरत थी, काफ़ी देर से वही डिज़ाइन चलता आ रहा था। तो अब डेफिनेटली हर किसी को ये नई ब्रेजा पसंद आने वाली है। इंटीग्रेटेड DRLs आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड उसके साथ साथ आपको नए फॉग लैम्प हाउसिंग, नया बम्पर, और उसके साथ आपको नई फॉक्स प्लेट जो है, स्किड प्लेट जो है, वो भी आपको यहाँ पर ऑफर की गई है। ये तो होगी फ्रंट में चेंजेस। साइड में जो चेंज है वो आएंगे इसके नए अलॉय व्हील्स। डेफिनेटली मारुति इसमें नए अलॉय व्हील्स ऑफर करेगी एंड हम काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छे होने चाहिए। LED टेल लैम्प पीछे जो है वो कम्प्लीटली जो उसका डिज़ाइन है चेंज हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा पहले से अग्रेसिव लग रही है गाड़ी। एंड ब्रेजा की या बैजिंग भी यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि स्पाइड इमेज कुछ दिन महीने पहले आई थी। डिज़ाइन के साथ साथ इंटीरियर यानी कि फीचर्स में भी बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत थी। और पहली बार मारुति कंपनी की तरफ से आपको फैक्ट्री फिटेड सनरूफ मिलने वाली है। नई ब्रेजा से ये जो ट्रेंड है वो शुरू हो जाएगा सनरूफ का। तो इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको यहाँ पर नॉर्मल वाली मिल रही है, पैनोरामिक नहीं है, बट एक अच्छी खासी इस सेगमेंट में यही सनरूफ चलती है, और दूसरी इससे बड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक सनरूफ ऐड कर दी गई। और उसके साथ साथ जैसे कि बलिनो या XL6 की बात करें, तो 360 डिग्री कैमराज भी आपको नई ब्रेजा में ऑफर किए जाएंगे। और क्या क्या नए होंगे, साथ में आपको मिल जाता है एक फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग, साथ में आपको उसमें मिली जाए वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले विद न्यू 9-inch फ्लोटिंग टच स्क्रीन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी आपको यहाँ पर ऑफर की गई है। तो ये डेफिनेटली हर किसी को पसंद आने वाली है। इसके साथ साथ आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है अपने फोन के लिए, नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का पूरा पैनल यहाँ पर फ्रंट में मिल जाएगा, और आपको हेड्स अप डिस्प्ले भी मिलेगी जैसे आपको बलिनो में मिलती है। बारी आती है अब सेफ्टी फीचर्स के बारे में। देखो मारुति कंपनी से शुरू से हमें सेफ्टी का बहुत ज्यादा कंसर्न रहा है। देखो इंजन अच्छे, रिलायबल है, सर्विस अच्छी है, माइलेज अच्छी मिल जाती है, लेकिन सेफ्टी का क्या? तो सेफ्टी में ब्रेजा वैसे तो 4-star GNCAP में रेटिंग रखती है, लेकिन फिर भी उसको और बेटर बनाने के लिए 4 नए मेजर अपडेट्स किए जाएंगे, वो है 6 एयरबैग्स। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि टॉप मॉडल में आपको 6-6 एयरबैग्स मिलेंगे। टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम आपको मिलने लग जाएगा अब नई ब्रेजा के बीच में, साथ में हिल होल्ड असिस्ट भी ऑफर किया जाएगा। और इतना ही नहीं, जो बॉडी शेल है उसको भी थोड़ा सा बेटर और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, चाहे वो थिकर मटेरियल यूज़ किया जाए, चाहे वो किसी तरीके का मटेरियल में परसेंटेज ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्टील जो है उसको चेंज की जाए। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली वो छोटे मोटे जो स्टील मेटल वाली चेंजेस हैं उसकी वजह से सेफ्टी रेटिंग बेटर होगी फॉर द बेस मॉडल एज वेल। तो मे बी 5-star रेटिंग भी नई ब्रेजा में आपको ऑफर की जाए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका इंजन यानी कि मैकेनिकल चेंजेस की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, देखो कोई भी इंजन या ट्रांसमिशन ही दिल होता है किसी भी गाड़ी का, तो उसके बारे में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आपको नया K15C इंजन मिल जाता है, जो कि ज़्यादा रिफाइंड है NVH लेवल्स का मैं एज कम्पेयर टू द K15B इंजन जो कि ऑलरेडी ब्रेजा में आता है। पावर्स की बात करूँ तो सिमिलर 103 BHP 137 Nm ऑफ टॉक आपको यहाँ पर ऑफर की जाती है। हालांकि कोई प्रॉपर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यहाँ पर नहीं दी जाएगी, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा इंजन आपको यहाँ पर स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, जो स्मार्ट हाइब्रिड वाली नहीं, वो आपको ऑफर की जाएगी, जैसे कि आपको नई XL6
या आपको पहले भी मिलती थी, आप जानते हैं स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के बारे में, तो वो चीज़ आपको डेफिनेटली ब्रेजा के अंदर ऑफर की जाएगी। साथ के साथ सीएनजी किट, वो बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई उसका क्या, तो वो भी अभी लॉन्च नहीं होगी, एक दो महीने बाद ब्रेजा में सीएनजी ऑप्शन भी अवेलेबल करा दी जाएगी। जैसे अभी बलेनो आई थी, बलेनो में भी सीएनजी ऑप्शन जल्दी लॉन्च होगी, फिर ब्रेजा आएगी, ब्रेजा के साथ फिर सीएनजी ऑप्शन आएगी, तो उस चीज़ का ध्यान जरूर रख लें। अभी कंपनी ज़्यादा सीएनजी की तरफ नहीं जा रही है बिकॉज पार्ट्स वगैरह की कमी है। अभी XL6 और अर्टिगा की जो सीएनजी की डिमांड है वो पूरी हो जाए, वो उसके बाद ही बाकी सीएनजी ऑप्शंस प्रोवाइड करना शुरू करेंगी। तो ब्रेजा के बीच में एक और मेजर अपडेट है, इसकी 6 स्पीड टॉक कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। पहले आता था 4 स्पीड टॉक कन्वर्टर जो थोड़ा ठीक ठाक सा था, इतना ज़्यादा पसंद आता नहीं था, लेकिन अब आएगा इसमें 6 स्पीड टॉक कन्वर्टर। बट इतना ज़रूर ध्यान रख लें कि उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होगी। हमने अर्टिगा में भी देखा काफ़ी प्राइस है, XL6 में भी मैनुअल और ऑटोमेटिक के बीच में गैप ज़्यादा है, तो ब्रेजा में भी डेफिनेटली मैनुअल और ऑटोमेटिक का जो प्राइस गैप है वो ज़्यादा होने वाला है। मैं अभी से बोल देता हूँ कि ऑटोमेटिक कोशिश करना मत लेना, मैनुअल मारुति के बढ़िया होते हैं, ज़्यादा क्लच हैवी होता नहीं है, पेट्रोल इंजन्स हैं और उसके साथ गियर शिफ्टिंग भी इजी रहती है, तो आई थिंक मैनुअल वुड बी अ बेटर ऑप्शन, तो वो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं। इनफैक्ट वो भी ब्रेजा के साथ, क्योंकि ब्रेजा एक SUV है, माइलेज कोई बहुत ज़्यादा अच्छी इसकी होगी नहीं एज कम्पेयर टू MPVs या एज कम्पेयर टू सेडान्स तो या हैचबैक्स, तो अगर उसमें आपकी रनिंग ज़्यादा नहीं है तभी आप SUV की तरफ जा रहे हो, और रनिंग ज़्यादा नहीं है, पेट्रोल SUV ले रहे हो, तो आई रियली डोंट थिंक सो कि ऑटोमेटिक लेने की ज़रूरत पड़ेगी। बट हाँ, अभी ड्राइव रिव्यूज़ करेंगे, प्राइस आने तो तब आपको एग्जैक्ट बताऊंगा, बट अभी मेरी अजम्पशन होगी कि मैनुअल वुड बी अ बेटर पिक। लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ एक मेरा फेवरेट फीचर आ रहा है। कौन सा फीचर्स क्या आप जानते हैं? अगर आप मेरी वीडियोस देखी है ना, अगर आपने अच्छे से, तो आपको पता होगा कि मुझे पैडल शिफ्टर्स बहुत पसंद है, तो वो भी आपको नई ब्रेजा में ऑफर किए जाएंगे, ऑफ कोर्स विद द 6 स्पीड नया टॉक कन्वर्टर जो आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है, जैसे कि आपको बाकी गाड़ियों यानी कि अर्टिगा और XL6 में ऑफर किया गया। अच्छी क्वालिटी के XL6 और अर्टिगा के कंप्लीट रिव्यूज जो है वो हम अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो चेकआउट जरूर कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये थे ब्रेजा के टॉप 25 फीचर्स जो हमने आपके साथ हाईलाइट किए। अब इसकी प्राइसिंग डेफिनेटली थोड़ी सी इंक्रीज होगी ही होगी, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा सेम रहेगी। बेस मॉडल में अगर फीचर्स अपग्रेड करेंगे तो प्राइस बढ़ेगी, अगर नहीं करेंगे तो 10-15-20 हज़ार के आसपास ही प्राइस को इंक्रीज किया जाएगा, ज़्यादा नहीं। बट मेजर चेंज आएगा टॉप मॉडल में, बिकॉज 6 एयरबैग्स, टॉक कन्वर्टर, पेडल शिफ्टर, 360 डिग्री कैमरा, सनरूफ, ये सब कुछ ऐड कर रही है कंपनी, तो प्राइस में फ़र्क तो आएगा ही आएगा। अगर हम बेसिक जो पहले से चीज़ें आती थी उसकी बात अगर हम करें, तो क्रूज कंट्रोल जैसा फीचर पहले भी आता था, अब भी आएगा। उसके साथ साथ आपको प्रॉपर ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स और ये डिफॉगर्स वगैरह, ये तो ऑब्वियसली सब कुछ ऑफर किया ही जाएगा आपको। तो नई ब्रेजा डेफिनेटली इस साल की एक मेजर अपडेट होने वाला है विद द मारुति, फ्रॉम द मारुति कंपनी, एंड हम काफ़ी एक्साइटेड हैं। क्या आप एक्साइटेड हैं? नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें। मारुति ब्रेजा के ऊपर और बहुत कुछ अपलोड होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, एंड उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, नीचे कमेंट करें अपने ओपिनियन, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें जो भी एक नई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं उनके साथ। डेफिनेटली हम ब्रेजा के ऊपर और बहुत कुछ अपलोड करेंगे, तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।